नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि वाला जो वीडियो बनाया था रेलवेज वाला कल रात को, उसमें हुआ ये कि मैं पोस्ट प्रिफ्रेंस आप लोगों को बताना भूल गया। वीडियो भी आपने देखा होगा, 14 मिनट का हो गया था। तो इसमें जो है मैं आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस के बारे में बात करूँगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए, सिर्फ ग्रेड पर ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें SSC CGL से 4600 ग्रेड पे मिला था, मगर साउथ इंडिया में मिल गया था। और फिर जो है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट आने के लिए वो LDC तक पर आए हैं 1900 ग्रेड पे तक पर। तो ग्रेड पे के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ में भूचाल मत ले आइएगा, ठीक है। कई लोग बताएंगे कि आपको ये ग्रेड पे ऊपर रखिए, ये ग्रेड पे रखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है यार। आप देखिए आपके जोन में किस चीज़ की पोस्ट अच्छी है और आप बंदे कैसे हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, ठीक है भाई, रनिंग स्टाफ की ले लो, मगर कई लोग तो फंस जाते हैं यार, क्या मुसीबत मोल ले ली। मैंने दोस्तों ये चीज़ देखी है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे ही कार्यालय में एक पर्सन थे और डेली अप डाउन करते थे। सुबह निकलना होता था उन्हें 4 बजे और शाम को पहुँचते थे वो 11 बजे। मतलब इतना लंबा उनका जो है ट्रैवलिंग का समय होता था। तो उनके बच्चे कब मतलब बड़े हो गए उन्हें पता तक नहीं चला। जब सैटरडे संडे को मिलते थे बोलते संडे वाले पापा आ गए। अब ये संडे वाले पापा आ गए का क्या मतलब है दोस्तों? मतलब क्योंकि वो देखते ही नहीं थे उन्हें, आप समझ रहे हैं ना। तो फैमिली के लिए समय बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी जॉब मत चुन लेना जिसमें कि बच्चे बड़े हो जाएं और आपको पता तक ना चले कि कब बड़े हो गए, ठीक है। और देखिए दो, मैं प्रिफ्रेंस के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। जॉब सारी ही अच्छी है, बेरोजगार के लिए बताइए कौन सी नौकरी ख़राब है। मगर फिर भी अगर हो सकता है कि अच्छे नंबर लाकर अगर आपको कोई पोस्ट अच्छी मिल सकती है जिसमें कि आपको 2 दिन की छुट्टी भी मिल रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी है और सभी करेंगे ये। मगर हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टाइपिंग से बचना चाहते हैं कि टाइपिंग ना करनी पड़े बस। तो फिर रनिंग स्टाफ में जाओ भाई, टाइपिंग भी नहीं करना चाहते फिर तो आपको रनिंग स्टाफ में जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो गुड्स गार्ड हो या फिर आपका जो बाकी और है ट्रेन क्लर्क वगैरह है। मतलब जिसमें ट्रेन में चलना पड़ेगा उसमें तो दोस्तों टाइमिंग का कोई भी वो नहीं है कि कभी भी जाना पड़ सकता है। आप सुनिए, यहाँ पर जो पोस्टें हैं प्रीफ्रेंस ही बता ही रहा हूँ मैं आपको, और खासकर वो प्रीफ्रेंस जो है ना वो गर्ल्स के लिए भी लागू हैं और हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए भी लागू हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो चाहते हैं कि उन्हें एक जगह पर बैठने की नौकरी मिल जाए। और देखिए दोस्तों, जो रेलवे की फैसिलिटी है ना वो सबको मिलेंगी, चाहे वो रनिंग स्टाफ पे है और चाहे वो जो है वो DRM ऑफिस के अंदर है। यानी कि अगर रेलवे का पास एंटाइटल है कि भाई 2800 ग्रेड पे वाले को 3rd AC का मिलेगा या 2nd AC का मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, वो उसे भी मिलेगा, गार्ड को भी मिलेगा। तो फैसिलिटी आपको पूरी मिलेंगी और रेलवे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो भी मिलेगी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अगर आप सिटिंग जॉब ले लेते हैं तो आपको रेलवे की फैसिलिटी में कुछ कटौती कर दी जाएगी, वो पूरी मिलने वाली है। यहाँ पर जो दोस्तों 7th पे कमीशन के अनुसार अगर हम बात करें, Level 2 से लेकर और इसमें Level 6 तक की नौकरी है। Level 2 का मतलब दोस्तों पुरानी भाषा में समझाता हूँ आपको, 1900 ग्रेड पे जो कि LDC का होता था, और 2400 Level 4 की बात करें तो 2400 ग्रेड पे, Level 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी है, और 6 जो है यानी कि 4200। तो 4200 ग्रेड पे में अगर देखी जाए तो 2 ही पोस्ट हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। और इन दोनों में भी मैं आपको सबसे बेहतर बताऊं तो कमर्शियल अप्रेंटिस होगी, ठीक है। दोस्तों ये जो प्रिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सजेशन है, मानो ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको समझ आता है या आपकी आपको लगता है कि आप और बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप उसी हिसाब से भरें, कोई ज़रूरी नहीं है आप इस हिसाब से भरें। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये सिर्फ वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और दोस्तों वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देखना, कम से कम 1.5 या 2, क्योंकि 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। मैं थोड़ा सा और इसमें बताऊँगा पोस्ट प्रिफरेंस के साथ भी, ठीक है। तो स्टेशन अगर इन दोनों में बात करेंगे आप, अब मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको, अगर इन दोनों में बात करेंगे कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, क्योंकि दोनों ही 4200 ग्रेड पे में है। स्टेशन मास्टर पहले जो है 2800 में था, मगर जब डिमांड उठाई गई तो पिछली वैकेंसी से ही NTPT वाले से ही जो है, क्योंकि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, इसे भी 4200 कर दिया गया। 4200 ग्रेड पे में दोस्तों आपकी जो बेसिक होती है वो होती है 35400, ध्यान रखिएगा 35400 होती है बेसिक। और जो 2800 ग्रेड पे होता है उसमें होती है आपकी लगभग 29200। तो देखा जाए तो यहाँ पर 6000 रुपये का अंतर तो बेसिक में ही है, ओवरऑल अंतर आप देखोगे तो लगभग 8000 रुपये तक का बन जाए, क्योंकि DA भी लगेगा, HRA जो है वो सब बेसिक पे ही मिलता है, तो 7 से 8000 रुपये का अंतर यहाँ आ जाएगा। मगर इन 7000 रुपये के चक्कर में मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना सुकून भी खो दें, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इन दोनों में कंपैरिजन बता दिया, आप चाहें तो भर सकते हैं। और कमर्शियल अप्रेंटिस का प्रमोशन भी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी ठीक है,
अगर आप 4200 रुपये में पहली कोई पोस्ट भरना चाहते हैं तो कमर्शियल अप्रेंटिस भरिए। कमर्शियल अप्रेंटिस में दोस्तों इसका प्रमोशन होकर ये CI बन जाता है, कमर्शियल इंस्पेक्टर बन जाता है, तो काफ़ी मतलब इंस्पेक्शन वाली जॉब है और मतलब अच्छी जॉब है ना। जॉब सारी ही अच्छी हैं, फिर भी मैं बार बार यही कहूँगा, इसका मतलब कोई ये नहीं है, मैं बेहतर बता रहा हूँ कि कौन किससे बेहतर है, और हो सकता है वर्क नेचर आपको पसंद आए उसका, ठीक है। तो अगर गुड्स गार्ड हो गया, गुड्स गार्ड अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, फैमिली को भी समय देना है और ये सब थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई भी करनी है यार आगे, ऐसा कोई है कि कई लोग ऐसे होंगे कि कहें भाई रेलवे की नौकरी लेके ही हमारा करियर ख़त्म हो गया। अरे दोस्तों एक बात यकीन मान के रखो, और जब तक आपकी एज है तब तक जो है ना आपको अपने बेहतर के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपकी 35 एज भी हो गई है ना, तो क्योंकि UPSC कितना है, 40 साल तक है, तब भी आप अगर मेहनत की है आपने अभी तक, तो ये सोचिए कि थोड़ी सी मेहनत और करके अगर मैं कुछ और हासिल कर सकता हूँ, अच्छा पद हासिल कर सकता हूँ, तो करना चाहिए। अब सुनिए, आप यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट है इसके अंदर जो कि आपको क्लास 1 भी बना सकती है। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में ये पूछा था कि कोई ऐसी है जैसे PCS में पोस्ट होती है, PCS वाली टाइप, या फिर ऐसी जिसका बाद में प्रमोशन होकर वो उसके इक्विवेलेंट हो जाए, क्लास 1 अफसर हो जाए। तो दोस्तों इसके अंदर एक पोस्ट है ऐसी, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है एज ए UPSC से, आपको पता होगा क्लास 1 ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकलती है, जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें IAS IPS IFS तो होती हैं ये 3 सर्विस, उसके अलावा आप देखेंगे कि 21-22 सर्विस और होती हैं, टोटल 24 सर्विस हैं। तो उसके अंदर रेलवेज की भी सर्विस हैं, IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इसके अलावा अकाउंट सर्विस की भी, रेलवेज के अंदर अकाउंट सर्विस की होती है, उसमें भी क्लास 1 अफसर जाते हैं जैसे। तो और आपको पता होगा SSC के अंदर एक पोस्ट होती है अकाउंटेंट की, जो 2800 ग्रेड पे वाली होती है ना, CAG के अंडर जो आती है, हाँ उसका आप उसमें हो जाए, फिर उसके बाद क्या होता है, एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ना, आपको भी पता होगा, CGL वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें जानकारी होगी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, और फिर वो बाद में AA बन जाते हैं। AA यानी कि 4800 ग्रेड पे अगर कोई वो एग्ज़ाम निकाले तो 3 साल के अंदर जो है AA बन सकता है, गजिस्टर्ड अफसर है, और फिर बाद में क्लास 1 भी बनता है। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों पोस्ट नंबर 10 नंबर पे देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये जॉब वही है दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आपको क्लास 1 अफसर भी बनाएगी रेलवेज के अंदर, अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाल लिया। मान लीजिए आप कम उम्र के अंदर इसमें भर्ती हो गए, आपकी एज, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी बिल्कुल लास्ट एज हो, मान लो 33 साल है तो 33 साल होनी चाहिए, नहीं, मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में या 25 साल तक आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो ये तय, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कंडीशन ये लगी है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालना होगा आपको, ठीक है। तो निकालेंगे तो आप अभी तो मान लीजिए 2800 ग्रेड पे में है, ठीक है, मगर जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो आप 4800 ग्रेड पे में भी जा सकते हैं इससे, या फिर जो 4600 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर जैसे जैसे प्रमोशन होगा सीनियरिटी के हिसाब से, तो आप क्लास 1 अफसर इसके अंदर ज़रूर बनेंगे, और इतना ज़्यादा जो है ना इस पे हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी मुझे मिली वो हमारे एक ऐसे हमारे फ्रेंड थे, उनके ब्रदर जो हैं वो UPSC से क्लास 1 सर्विस जो मिली उन्हें रेलवे की, उन्होंने ही ये बताया था, वो भी अकाउंट सर्विस के अंदर थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये वाली जो पोस्ट है इसके प्रमोशन जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सैलरी की, लोग कहते हैं यार हमें तनख्वाह चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तनख्वाह हमें ज़बरदस्त चाहिए और एक नंबर की चाहिए, रिश्वत भी नहीं लेनी है हमें। तो दोस्तों अगर आपको रिश्वत भी नहीं लेनी है और लेनी भी नहीं चाहिए और चाहते हैं कि मुझे तनख्वाह तगड़ी मिले, तो आपके लिए नौकरी है गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड में आपको गाड़ी तो चलानी है, गाड़ी चलाने का मतलब आप जो ट्रेन होती है उसके पीछे वाले डिब्बे में होते हैं, मगर हाँ जो आपका रनिंग अलाउंस बनता है ना दोस्तों, वो आपकी सैलरी बहुत ले जाता है। मैंने कुछ गुड्स गार्ड देखे हैं जिन्हें ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, मान लीजिए 6 साल हुए हैं और 1-1 लाख रुपये भी तनख्वाह बन रही है उनकी। तो अगर आप चाहते हैं, सैलरी का चार्म है आपको कि होनी चाहिए, भले ही फैमिली, क्योंकि कई लोग ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो फैमिली जो है उसमें सपोर्ट मिलती रहती है, ठीक है, फैमिली की सपोर्ट मिलती रहती है बाकी लोगों की भी, तो आप गुड्स गार्ड भी कर सकते हैं। गुड्स गार्ड में शुरुआत में तो आपको मालगाड़ी चलानी होगी, मगर धीरे धीरे फिर आप पैसेंजर पे आएंगे, एक्सप्रेस पे आएंगे, शताब्दी, राजधानी, तो ये सब इसमें जो इसका प्रमोशन होता है वो यही रहता है गार्ड्स वाले का, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट टिकट क्लर्क, ये वाली भी जो है वैकेंसी अच्छी है, इसमें भी जो है आपको ऑफिस जॉब मिलेगी। और इसके अलावा ये जो ऊपर वाली है ना दोस्तों, अगर आप देखेंगे ऊपर जो है वो जूनियर क्लर्क है 1 नंबर, और इसी का प्रमोशन जब होता है तो 9 नंबर पे सीनियर क्लर्क हो जाता है। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ ये किस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे
देखिए कहाँ गया, हाँ जूनियर अकाउंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये है लेवल 5 में। और यहाँ पर दो नंबर पे देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये है दो नंबर पे। तो यानी कि जब इसका प्रमोशन होगा तो ये बनेगा। तो अगर जो लोग ग्रेजुएट हैं तो वो तो डायरेक्ट, एक आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी ग्रेजुएट वाली हैं उन्हें पहले रखिए, ठीक है। उसके बाद में जो है आप ये वाली पोस्ट रखना, और जो सिर्फ 10+2 हैं उनके पास तो कंडीशन है ही नहीं कि वो अपर वाली भर पाएँ, तो आप लोग जो है वो नॉर्मल वाली भरना। बाद में आप प्रमोशन पाकर यहाँ तक पहुँच ही जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हर जॉब के बारे में बताया कि कौन सी जो है आपको स्टेशन पे रहेगी, या कौन सी आपको DRM ऑफिस में रहेगी, या जिसमें रनिंग अलाउंस है, या फिर तो अब आपको थोड़ा डिसीजन खुद भी करना है। अब मान लीजिए अगर मुझे भरना हो, अब मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बना के चल रहा हूँ, वो आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले क्या भरूंगा इसके अंदर। मैं अगर भरना चाहूँगा तो मैं 4200 ग्रेड पे मैं सबसे पहले भरूंगा कमर्शियल अप्रेंटिस। ये मेरी पर्सनल सोच है दोस्तों, आप सुनिएगा। सबसे पहले कमर्शियल अप्रेंटिस, उसके बाद भी मैं स्टेशन मास्टर नहीं भरूंगा, उसके बाद मैं भरूंगा आपका सीनियर कहेंगे, हाँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये होगा मेरा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर होगा दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं भरूंगा, फिर भरूंगा सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये वाली पोस्ट प्रिफरेंस होगी। और फिर अगर उसके आगे की बात करूं, फिर मैं दूंगा इसके बाद मैं तो कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ इन्हीं पोस्टों के अंदर रहूंगा मैं, मगर जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें तो देनी है। तो इसके बाद जो है आप भर सकते हैं स्टेशन मास्टर भर सकते हैं, और स्टेशन मास्टर के बाद गुड्स गार्ड भर सकते हैं, और फिर ऊपर वाली पोस्टें इसी क्रम में भर दीजिए सब। फिर अगर ऊपर वाले पोस्ट में बात करें अकाउंट क्लर्क, और फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर आप भरिए ट्रेन क्लर्क, फिर कमर्शियल कम, और फिर ट्रैफिक असिस्टेंट, ये पोस्ट प्रिफरेंस रहने चाहिए। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे मैंने क्या बोल दिया, फिर से सुनिए। सबसे पहले आप भरिए अगर भरना चाहते हैं इस हिसाब से तो कमर्शियल अप्रेंटिस पहला नंबर, उसके बाद जो है दोस्तों आप आ जाइए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर आइए सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट, फिर है सीनियर टाइम कीपर, ये भी लेवल 5 में है, यहाँ पर आ जाइए। और फिर उसके बाद आप भर दीजिए गुड्स गार्ड, और उसके बाद स्टेशन मास्टर, और ऊपर का क्रम इसी में ही है क्योंकि वो सारी जूनियर पोस्टें हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिफरेंस होना चाहिए। और अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स भी इस तरीके से भरें, क्योंकि ये जो मैंने आपको पोस्टें बताई टाइपिंग वाली, वो ज़्यादातर आपको ऑफिस में होंगी। ट्रेन में बैठा के कौन टाइपिंग कराता है, या आपको कहीं ना कहीं रीजनल ऑफिस मिलेगा या फिर ऑफिस ड्यूटी मिलेगी, और इसमें जो है आपको 5 डे वीक भी मिलेगा, क्योंकि हमारे एक मित्र थे जो इन्होंने ज्वाइन करने के लिए गए थे इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो उन्हें बताया गया था कि आपकी 5 डे की जॉब है, लेवल 5 की नौकरी है। तो यही मैंने कहा कि आप ऐसा ना कर दें कि ग्रेड पे के चक्कर में अपना सुकून खो दें। अरे यार 13 मिनट का तो ये भी हो गया, अभी थोड़ी सी चीज़ और बतानी है, वो मैं ज़रूर बता के रहूँगा आपको। और वो क्या है, हाँ क्वालिफिकेशन पे जो है ना वो भी नहीं बता पाया था मैंने, सिर्फ ये बता दिया था कि ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर परसेंटेज वगैरह के बारे में बात नहीं हुई थी, तो वो आपको बता देते हैं दोस्तों कहाँ गया। हाँ ये है दोस्तों कमर्शियल अप्रेंटिस, देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है 50% हो या कितना परसेंट हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो हमारे 12th वाले हैं, 12th में क्या कहा गया है कि 50% से कम ना हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 50% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप दोस्तों कैटेगरी में फॉल करते हैं SC ST में, या दिव्यांग हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, या फिर 10+2 से कोई हायर डिग्री है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में आप पे ये 50% वाली सीलिंग लागू नहीं होती है। मान लीजिए आपके 10th में जो 12th में के अंदर 40% थे, मगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसमें ही परसेंटेज नहीं है, तो आप इसको भर सकते हैं 10+2 वाली को। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार हमने 12th तो कर लिया 40% पे, ठीक है, और ग्रेजुएशन में हमारे 50% है, या मान लो उसमें भी 40% है, तब भी क्या भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि बेंच मार्क उनके लिए वैलिड नहीं होगा जो कि 10+2 से हायर डिग्री एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का आप लोग समझ गए होंगे, ये आप यहाँ पर पे स्केल देख ही रहे हैं, 10+2 का हो गया,
तो बाकी आपकी टाइपिंग, और हाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया है या ऐसा कुछ, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ पर आप जो है अपनी RRB जिसमें भी आते हो उसका आप देखें कि किस में कितनी पोस्टें हैं और किस हिसाब से किसे प्रिफ्रेंस देनी है, ठीक है। ये अजमेर है, यूपी वाले तो ज़्यादातर चंडीगढ़ या फिर आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले में तो भाई साहब बाढ़ रहती है, कट ऑफ भी सबसे ऊपर जाती है इलाहाबाद वाले की। तो अब मैं थोड़ा सा इलाहाबाद वाले के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि इलाहाबाद वाले लोग काफ़ी, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। हाँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें जूनियर अकाउंट, जो 4 नंबर पोस्ट पे, जो 4 नंबर नहीं, सीनियर वाले की बात करेंगे हम पहले, कहाँ गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वाला 10 नंबर। यहाँ पर बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखिए दोस्तों वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है, 28 वैकेंसी है मात्र, 28 वैकेंसी। अब सोचिए इसके लिए कितना कंपटीशन टफ होने वाला है, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया ये क्लास 1 भी बनाएगा ये वाली पोस्ट आपको, जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लेंगे तो आपकी लड़ाई इस वाली पोस्ट के लिए होना चाहिए कि किस तरीके से मैं ये 10 नंबर की पोस्ट हासिल कर पाऊँ, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो है आपकी टाइपिंग वाले और भी पोस्टें हैं, देखा जाए 4,000 पोस्टें हैं, 4,099 पोस्टें जो हैं वो आपके टोटल इसके अंदर इलाहाबाद बोर्ड के अंदर हैं। तो वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त है, कई लोग कह रहे थे यार 1.5 लाख आएंगी, तो वैकेंसी जो आएंगे ना वो ग्रुप डी की आएंगे दोस्तों, 1 लाख वैकेंसी तो ग्रुप डी की ही है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को प्रीफ्रेंस के बारे में बताऊं और भी जॉब के बारे में बताऊं। अगर दोस्तों आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आप लाइक ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपके जो फीडबैक हैं वो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ। और जो भी नई वैकेंसी आएंगी ना दोस्तों, तो उनका कंपेरिजन, जॉब प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएंगी। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कोई अच्छी जॉब छोड़ के किसी दूसरी जॉब में फंस जाएँ, जॉब सारी अच्छी होती है, बस वर्क प्रोफाइल का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।